जा रहे हैं आज हम्पी चंदन के साथ भाई का कटने वाला था आज। इतने मुश्किल से प्लान बनाया था हमने, कई दिनों से प्लान बन रहा था हम्पी जाएंगे। अब मैं गोकर्णा गोवा घूम के आ गया। नेक्स्ट डे बाइक सर्विसिंग, बाइक में भी प्रॉब्लम आ गई थी हमारी एनफील्ड में प्यारी सी, लेकिन अब इसको ठीक करवा के ले जा रहे हैं हम्पी, तो फॉर्चुनेटली प्लान बन ही गया। अब निकल गए हम लोग हम्पी की ओर। ये हमने लगा दिया टेंट चित्रदुर्गा से पहले, अब यहाँ नाश्ता करेंगे फिर निकला जाएगा आगे, रेस्ट करके चलेंगे। अब हो गया टाइम निकलने का, नहीं रीपैक करते हैं सारा फटाफट और निकलते हैं। आप फिर 120 किलोमीटर पर ब्रेक लेंगे, ठीक है? 100 किलोमीटर्स टू गो। ये हम हैं हम्पी एक्सप्रेसवे पे NS50। चिल हम्पी गेस्ट हाउस है ये, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हट्स है, और ये काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पे रेयर है होटल्स। और ये खाने का जो कैफ़े है वो ऐसा है, वहाँ पे आपको नीचे बैठना है और टेबल वगैरह बस वैसा ही है। तो सुंदर है, काफ़ी आइसोलेट है पहाड़ों और खेतों के बीच में, एक वाटरफॉल भी है पास में। वाटरफॉल कौन सा है यार, वाटरफॉल चलिए देख के बताऊंगा मैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। अभी घर को कॉल कर रहा था कब से, लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इन्होंने वाईफाई दे रखा है लकड़ी, तो इससे काम कर रहे हैं सारा। रूम ले लिया, थोड़ा सा निकलते हैं बाहर देखते हैं आसपास क्या है। पहले सोच रहा हूँ वाटरफॉल चलें क्या, वाटरफॉल चलते हैं। ये मेरा रूम है हट की तरह, यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही रूम्स हैं लेकिन कॉस्टली भी है सारे, 1500 पर नाइट है। बाथरूम भी ऐसा, ये प्यारा सा अटैच्ड है। तो हम आ गए सोनापुर वाटरफॉल जो कि तुंगभद्रा रिवर पे है। पहले तो हमने एक नाला देख के इमेजिन करिए यही है वाटरफॉल, लेकिन ये तो अच्छा निकला। ये हमारा कैफे, यहाँ पे ये ग्राउंड बेड्स बिछा रखे हैं। वैसे भी तुम्हारे यहाँ अच्छा पैटर्न है, पनिशमेंट वाले जाते हैं यहाँ पे, हम लोग चिल कर रहे हैं। पनिशमेंट पोस्टिंग होती है तुम्हारे यहाँ पे, ये बस अपने दोस्तों में लग गया आते ही। ये है मेरी फ्रेंड इजाबेले पिंटो, मैंने इसका नाम रखा है। मजे कर रही है ना, मजे कर रही है ना, हाँ कर रही है, चिल कर रही है। तो अब हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए, अब अपना ट्रिप शुरू करते हैं। आज के पूरे दिन में हमें कंप्लीट भी करना है काफ़ी कुछ। तो फर्स्ट है हमारा स्टोन चैरियट दैन विरूपक्षा टेम्पल, लेट्स सी फिर आगे उसके बाद क्या क्या देखते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। चल ब्रो निकलते हैं।
ये है जुगन। वॉक करके जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। इसे फिर 1509 में कृष्ण देवारिया ने इसे रिनोवेट करवाया। काफ़ी चीज़ें जो कि अभी वही मोस्टली काउंट करते हैं लोग। यहाँ पे मैरिज हॉल, फेस्टिवल हॉल सब बना रखा है ना। यहाँ पे देखो तो वाले सुग्रीवा हनुमान, जो हनुमान का बर्थ प्लेस इधर है ना। सो यहाँ पे देखो तो रामा वाली को सम्मान करके सुग्रीव के साथ लंका जा रहा है। सो जाने का 163 ईयर ओल्ड, 1563 से अकाउंट किया था। ये हम जा रहे हैं टेंपल के इनसाइड। एक रख लिया था ना। ये आगे हम लोग विरूपक्ष टेम्पल के अंदर, यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है कहते हैं। और ये काफ़ी टेक्निकल है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत ही प्रिसाइज और बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो चीज़ क्या है, मतलब हर चीज़ का एक मतलब है यहाँ पे। जो भी इनग्रेव किया हुआ है रॉक्स पे, पिलर्स पे, हर चीज़ का एक मतलब है। तो ये हम लोग आ गए उग्र नरसिम्हा। ये सिंगल स्टोन में कार्व है, 22 फीट टॉल। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि इनके लेफ्ट लैप में लक्ष्मी जी है जो कि मिसिंग है, और इनके चार हाथ वो भी मिसिंग है, और ये शेषनाग पे बैठे हुए, और इनका चेहरा एक्चुअली वेदर कंडीशन और इन सब से ख़राब हो गया है, इसलिए लोग इनको यहाँ पे उग्र नरसिम्हा कहते हैं। अदरवाइज़ ये लक्ष्मी और नरसिम्हा टेंपल कहा जाता है। तो ये है बर्डविलिंग टेंपल, ये उग्र नरसिम्हा के जस्ट राइट साइड में है। ये भी सिंगल स्टोन कार्व शिवलिंग है जो कि वाटर में डिप्ड है। क्या बता रहा हूँ, उधर उधर a place where you can run free, time does not exist, take a chance on the road before us falls under our feet. इनक्लोज़र तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में हर जगह कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स बना रखे हैं। कहीं जल महल है,
कहीं लोटस महल है। लोटस महल जो है एक टैंक है और यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर ये चारों वॉल से घिरा हुआ है। ये है लोटस महल। ये लोटस जैसा कैसा लगता है भाई? ये आ गए हम लोग एलिफेंट स्टेबल्स। एलिफेंट स्टेबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाथी रखे जाते थे यहाँ पे। ये हाथी पालेंगे तो यहीं रखेंगे, ठीक है, एलिफेंट स्टेबल में। कहाँ आ गए हम भाई? महानवमी डिब्बा में रॉयल फैमिली आके यहाँ पे अपना रिलीफ पार्ट, जैसे कि उनका इंटरटेनमेंट हो गया, ये सारा हो गया, ये सब किया करते हैं यहाँ पे। चढ़ें क्या ऊपर? ये आ गए हम अंडरग्राउंड शिवा टेंपल। यहाँ की खास बात देख लेते हैं क्या है। किसका जो रूफ है वो यहाँ के ग्राउंड लेवल पे है करंट। क्या रीमर सुना यहाँ का? यहाँ का इसका